तो दोस्तों आज हो गई है 29 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट के जज का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, बोले सरकार पर ज्यादा भरोसा अच्छा नहीं है, झूठ का पर्दाफाश करे बुद्धिजीवी। आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि वे सरकार के झूठ यहां पर सामने लेकर के आए। उन्होंने कहा है कि यह एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी गलत खबर या एजेंडे के लिए सरकार की जिम्मेदारी तय करना अब जरूरी है। कोरोना के आंकड़ों से छेड़छाड़ की बात करते हुए उन्होंने यहां भी कहा है कि जरूरत से ज्यादा सरकार पर यकीन करना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक सच को हासिल करने के लिए सरकार पर जरूरत से ज्यादा विश्वास केवल निराशा ही देगा। सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ ने कहा है कि कोई केवल उस बात पर विश्वास नहीं कर सकता है जो सरकार बता रही है, ज्यादातर सरकारें अपनी सत्ता को बचाने के लिए यहाँ पर झूठ बोलती हैं। पूरी दुनिया में यही ट्रेंड देखा जा रहा है और हमारे देश में भी यही ट्रेंड है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है सुप्रीम कोर्ट के जज डी वाई चंद्रचूड़ ने, और जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है और कहा है कि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये सरकार भरोसे लायक बिल्कुल भी नहीं है। एक और अपडेट आ रही है सामने दोस्तों, मुख्तार अंसारी के भाई ने बेटे के साथ समाजवादी पार्टी का थामा है दामन, अंबिका चौधरी ने भी की है घर वापसी। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश चुनाव के दिन करीब आते ही यहां पर दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी अपने बेटे के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा अंबिका चौधरी ने भी बेटे के साथ यहाँ पर घर वापसी की है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक एक करके कई लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और सपा यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, करनाल में पुलिस ने बरसाई है किसानों पर लाठियां, कईयों को लगी है गंभीर चोटें। भाजपा नेताओं के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन राहुल गांधी से लेकर के राकेश टिकैत का जोरदार हमला बीजेपी पर। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के बस्ताड़ा टोल पर पुलिस ने किसानों पर भयंकर लाठीचार्ज किया है। ये किसान करनाल में भाजपा नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे, किसानों ने नेताओं को रोकने के लिए टोल की दो दो क्रॉसिंग छोड़ करके बाकी को बंद कर दिया था। पुलिस ने यहां पर किसानों के ऊपर इसके बाद यहां पर लाठीचार्ज किया। और वहीं से पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुकाया हिंदुस्तान का। आप लोगों को आगे बताते चलें, दूसरी तरफ हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठी चार्ज को सीएम खट्टर ने यहां पर सही ठहराया है, जिसके बाद हाईवे जाम कर दिए गए हैं किसानों की तरफ से। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने करनाल में किसानों पर बर्बर लाठी चार्ज के लिए हरियाणा सरकार के यहां पर कड़े शब्दों में निंदा की है। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का भी एक बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि करनाल में किसानों पर बरसी लाठियां तो बोले बीकेयू के राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर महापंचायत से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है बीजेपी का। और यहां पर टिकैत ने किसानों पर किए गए लाठी चार्ज पर जबरदस्त नाराजगी भी जाहिर की है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने की यहां पर बात कही है राकेश टिकैत ने। तो देख सकते हैं कि किसानों पर लाठी चार्ज करवा के बुरी तरीके से फंस चुकी है बीजेपी सरकार और अब बैकफुट पर नजर आ रही है। किसानों का कहना है कि इससे किसान और भी मजबूत होंगे और यहां पर जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने जा रही है उसमें और भी भीड़ देखने को मिलेगी, संख्या देखने को मिलेगी इस पूरे मामले के बाद। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की एक बार फिर से फिसली है जुबान, शिवराज सिंह चौहान को बताया है गृह मंत्री, लोग बोले अमित शाह सुन रहे हैं ना आप। आप लोगों को बताते चलें, भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर दिए विवादित बयान के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रज्ञा सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्री बता रही हैं। उनका यह वीडियो जमकर के वायरल हो गया है और लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं।
वीडियो में भाजपा की नेता कह रही हैं कि विकास वहीं होता है जहां मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री और शिवराज जी जैसे गृहमंत्री प्रदेश में उपस्थित होते हैं। उनके इस वीडियो पर कांग्रेसी श्रीनिवास बीबी ने लिखा, गृहमंत्री अमित शाह जी आप सुन रहे हैं ना। और वहीं से पूरे मामले पर एक अन्य यूजर ने लिखा, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आम जनता ने ऐसा सांसद चुना जिसे पता नहीं है कि हमारे देश का गृहमंत्री आखिर कौन है। ऐसे सांसद को संसद की सदस्यता से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से प्रज्ञा ठाकुर हो रही हैं सोशल मीडिया पर ट्रोल। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार में जल्द ही होने जा रहा है मध्य अवधि चुनाव, लोजपा निभाएगी मुख्य भूमिका। चिराग पासवान ने कह दी है बड़ी बात, क्या गिर जाएगी नीतीश की एनडीए सरकार। आप लोगों को बताते चलें, ये बातें लगातार आरजेडी की तरफ से कही जा रही हैं कि बिहार में बीच में चुनाव होगा क्योंकि नीतीश सरकार जल्द ही गिरने वाली है। अब यही बात एनडीए बिहार से अलग होकर के चुनाव लड़ने वाले एलजेपी के सांसद चिराग पासवान ने कह दी है। चिराग ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जल्द ही सभी को बिहार के अंदर यहां पर मध्य अवधि चुनाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि आने वाली सरकार में एलजेपी मुख्य भूमिका में नजर आएगी। चिराग ने एनडीए में प्रमुख घटक दल जेडीयू और भाजपा के गठबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। ये यहां पर देख सकते हैं कि चिराग पासवान ने दावा किया है कि जल्द ही बिहार के अंदर गिर जाएगी एनडीए सरकार। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। ईडी का समन मिलने के बाद ममता बनर्जी के भतीजे ने दी है अमित शाह को खुली चुनौती, टीएमसी को रोक करके दिखाएं। आप लोगों को बताते चलें, कोयला तस्करी मामले में ईडी का समन मिलने के बाद टीएमसी के सांसद और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी को त्रिपुरा में भी जीत मिलेगी। अमित शाह को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि टीएमसी को रोक करके दिखाएं अमित शाह। और वहीं इसी दौरान ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि हमारी प्राथमिकता जनता के लिए काम करना है, जिस भी राज्य में जाएंगे सत्ता छीन लेंगे बीजेपी की। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी भड़के हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसानों से जनरल डायर जैसा बर्ताव कर रही है खट्टर सरकार, आज किसान नहीं हमारे भगवान को पीटा है सुरजेवाला का जोरदार हमला। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि वो किसान जो खेत को खून पसीने से सींच करके देश की भूख मिटाता है उसे बेरहमी और बर्बरता से पीट पीट कर खून से नहला दिया गया। कारण, तीन काले कानून के माध्यम से बीजेपी जेजेपी खेती को चंद पूंजीपतियों की दासी बनाना चाहती है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा है कि शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे किसानों को जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, दर्जनों लहू लुहान हो गए और सैकड़ों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। एक बार फिर यह साबित हो गया कि अन्नदाता किसान के असली दुश्मन हैं दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चलें, जिस आईएएस ने किसानों के सिर फोड़ने के लिए दिए थे आदेश वो अब चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। श्रीनिवास बीबी जो कि कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा है कि तालिबान और इनमें फिर आखिर क्या अंतर है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा की लगातार किरकिरी हो रही है किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के मामले में। एक और अपडेट जान लेते हैं। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की अपनी ही सरकार को सलाह, अगर चीन भारतीय क्षेत्र नहीं करता है खाली तो भारत करे तुरंत युद्ध। आप लोगों को बताते चलें, अक्सर अपनी ही सरकार पर निशाना साधने वाले भाजपा के नेता और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस बार चीन पर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर चीन भारतीय क्षेत्र खाली नहीं करता है तो भारत को उससे तुरंत युद्ध करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि पड़ोसी देश 1993 के समझौते के तहत एलएसी पर से वापस नहीं जाता है, जिस पर दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की थी, तो भारत को चीन के साथ युद्ध में उतर जाना चाहिए। ये यहां पर मोदी सरकार को सलाह दी है बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा है निशाना, कहा बीजेपी के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए लाए गए हैं कृषि कानून। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से कृषि कानूनों को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तीनों ही काले कृषि कानून भाजपा के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए लाए गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह के द्वारा सेब के दाम घटने से किसानों को परेशान होने के दावे वाली एक खबर का हवाला देते हुए
ट्वीट किया है कि किसान काले कृषि कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल के दाम व अन्य चीजें तय करने का अधिकार भाजपा के अरबपति मित्रों को दे दिया गया तो यही हाल होगा। ये यहाँ पर दोस्तों प्रियंका गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को और कृषि कानूनों को रद्द करने की एक बार फिर से की है मांग। एक और अपडेट आ रही है सामने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी देने का बड़ा आरोप कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक पर हुआ है केस। आप लोगों को बताते चले, सोशल मीडिया पर कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी देने के लिए कोलकाता विश्वविद्यालय के एक प्रधानाध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि यह मामला पीएचडी शोधार्थी तमाल दत्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर हरे स्ट्रीट पुलिस थाने ने जंतु विज्ञान विभाग के प्रधानाध्यापक अरिंदम भट्टाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।